नेशनल हाईवे की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं एक बाइक का जो है कैंटर के साथ टकराव होता है। और आप ये देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है और टकराव इतना जबरदस्त कि डिवाइडर पर जा गिरता है हेलमेट। आप ये देख सकते हैं ये हेलमेट है जो कि डिवाइडर पर जा गिरता है। नेशनल हाईवे पर अभी थोड़ी देर पहले एक हादसा हुआ है। भाई कैसे ये हादसा हुआ? ये भाई साहब यो खड़ी एक्सीडेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे केना वाली चलान कर रहे थे यहाँ। अच्छा। उससे डर गए, फिर इस के ना बाइक वाला यहाँ पे। हाँ। बाइक वाला इस गड्डी ठोक दी इसमें बाइक। अच्छा। हाँ। गाड़ी कल की खड़ी है, हटी नहीं? नहीं, कल की खड़ी है, कल की खराब हुई पड़ी है, गाड़ी ठुक रही है। ये साइड में काटे कोई नहीं, वो चलान भी परली साइड काटा लग रहे हैं। अच्छा। पुरली साइड का हटाए भी नहीं। अच्छा, पता चला ये भाई कहाँ के रहने वाला जिसका एक्सीडेंट हुआ है? इसका कोई पता नहीं है सर, ये नहीं पता जी कहाँ का है। नहीं जी, कहाँ ये गाड़ी खड़ी है? ये गाड़ी नंबर ये देखा नहीं। हाँ जी, बड़ोली अड्डे पे। बड़ोली अड्डे पे, बड़ोली अड्डे पर जो है एक जबरदस्त एक्सीडेंट होता है नेशनल हाईवे की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। और आप ये देख सकते हैं एक बाइक जो है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये आप देख सकते हैं ये बाइक क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसका ना तो आगे नंबर प्लेट है और ना ही पीछे नंबर प्लेट है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बाइक चालक है वो गंभीर रूप से जो है घायल हो जाता है टक्कर के बाद। और इस गाड़ी का नंबर हम आपको बता देते हैं, UP81BT9249। इस गाड़ी का नंबर है और बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है ये कल से यहाँ पर खड़ी है और एक एक्सीडेंट हो जाता है इस गाड़ी का। ये आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आगे से गाड़ी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। और ये देखिए जो आगे का शीशा है वो किस प्रकार से बिखरा हुआ है। यूपी नंबर ये गाड़ी है, जिसका नंबर है UP81BT9249। इस गाड़ी का नंबर है और ये आप देख सकते हैं गाड़ी आगे से पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। और बताया जा रहा है कि जो बाइक चालक है उसकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। ये आप देख सकते हैं ये बाइक है, हालांकि अभी तक जो है इस बाइक चालक की पहचान नहीं हो पाई है। जी हाँ, इस बाइक चालक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पानीपत रिफाइनरी के पास ये हादसा होता है। ये आप देख सकते हैं बाइक आगे से पूर्ण रूप से जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। कौन बाइक चालक है इसके बारे में अभी कुछ नहीं मालूम। पता है कौन है बाइक चालक? ये जी पता नहीं जी, पता तो लगा नहीं अब तक कहाँ तक है सर। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? ये जी कल की खड़ी जी गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हुई पहले से। हाँ। पीछे से चालक आ रहे थे तो सीधी ठुकी होगी सर। अच्छा। हाँ। तो ये इसका एक्सीडेंट किसके साथ हुआ था? इसका पता नहीं जी, ये कल की खड़ी है यहाँ। ये कल की खड़ी है पानीपत रिफाइनरी के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, हालांकि इसकी पहचान नहीं हो पाई है, जो बाइक चालक है पहचान नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये बाइक चालक कौन है, कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। भाई एम्बुलेंस आई थी अभी? हाँ जी, एम्बुलेंस आई थी सर। लेके उसको कहाँ लेकर गए? पानीपत हॉस्पिटल। कितने सवार थे? दो जी। दो लोग सवार थे, क्या उम्र थी लगभग? लगभग होगी जी 30+ जी, दोनों आगे 30+ के आसपास। तो बिल्कुल 30 साल के आसपास की इनकी उम्र बताई जा रही है। और ये बाइक चालक कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि ना तो आगे नंबर है और ना ही पीछे नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं आगे पीछे कहीं पर भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा। पानीपत रिफाइनरी के आसपास ये हादसा होता है, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें। और लगातार जो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे लगातार इसी प्रकार से सड़क हादसों का शिकार। और आप ये देख सकते हैं काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। एक गाड़ी जो कि पिछले कई दिनों से, आप ये देख सकते हैं ये गाड़ी जो कि पिछले काफ़ी घंटों से मैं कहना चाहूँगा यहीं पर ही खड़ी है, इसको जो है हटाया नहीं गया, ऐसा लोगों का कहना है। और उसके बाद जो बाइक चालक है वो इस गाड़ी के साथ भिड़ जाता है। गाड़ी खड़ी थी और खड़ी गाड़ी में जो है बाइक की टक्कर हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देखने वाला वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। पानीपत रिफाइनरी के समीप की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आखिरकार ये बाइक चालक कौन है, कहाँ का रहने वाला है, अभी तक जो है इसका पता नहीं चला है। भाई पता नहीं चल पाया कौन है, ये पहचान नहीं हो पाई? नहीं जी, पहचान नहीं हो पाई सर। पुलिस वाले आए थे? हाँ जी आए थे सर पुलिस। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो देखो जी, जाके पता लगेगा जी अस्पताल में कहाँ के थे जी, वही बताएंगे जब ही होगी जी कार्रवाई। तो जी बाकी हटवाना चाहिए जी, यहाँ तक कल को रहे जी। ये कल है? हाँ जी, आप देख सकते हैं ये कल का यहाँ पर खड़ा है। और ये किसके साथ टकराव हुआ था इसका? इसका पता नहीं सर। तो ये आप देख सकते हैं ये जो बड़ा वाहन है ये कल से यहाँ पर खड़ा है और उसके बाद जो है ये बाइक जो है इसके साथ
टकरा जाती है। नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, ये भाई कौन है, कहाँ का रहने वाला है, अभी इसके बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। और नेशनल हाईवे पर लगातार जो सड़क हादसे हैं वो इसी प्रकार जरूर देखे जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं बहुत ही दुखद ये तस्वीरें, इन भाइयों का क्या हाल होगा अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई स्वस्थ रहें। अपडेट आपको देते रहेंगे।